हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज चैप्टर 5। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखिका के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है चपला देवी। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। द्विवेदी युग के लेखिका चपला देवी की व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना ने बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टार्च का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। पाठ के बारे में पढ़ते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसीलिए गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ में कई किरदारे हैं जिनके नाम आप याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम्स में, परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोही दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरापद देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसकी रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी, यानी पत्थर दिल को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई ना दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे।
सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थी मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। उनका नाम था, जो सेनापति थे उनका नाम जनरल हे था। आपकी प्यारी कन्या मैरी, उनकी कन्या, उनकी पुत्री का नाम मैरी था, और मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु के बाद मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे, यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे। जनरल है सेनापति थे और जनरल आउट्रम वो प्रधान सेनापति थे, इनको याद रखिएगा। और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति है से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति है ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? तो प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक था। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है ने कहा, तो लॉर्ड कनिंग यानी गवर्नर जनरल जो थे वहाँ के, को इस विषय का एक तार देना चाहिए यानी चिट्ठी देना चाहिए। आउट्रम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कॉनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार है,
लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना साहब का स्मृति तक मिटा दिया जाए, इसीलिए वहां की आज्ञा के विरोध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोग के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टाइम्स है कि एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉम्स है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से है का प्रेमलाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1857 में सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट यानी भागने पर प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों ने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कारल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना साहब की लड़की है, मैना है, पर वह बालिका किसी और ना देखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यह भी भर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने ना दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस के बखार पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ना उसे देवी समझकर प्राण
प्रणाम किया। तो ये थी आपकी क्लास 9 क्षितिज चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई परेशानी हो, आप कुछ हमसे कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।